और उसके ठीक बाद आती है ये वाली क्लिप, जहां पे सबसे पहले आपको ये एम लॉक दिखेगा इंस्टेंटली, और फिर ये एम ट्रेसिंग दिखेगी, और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस हेयर देखो इसका स्लो मोशन में, केवल क्रॉस हेयर पे नजर डालो इसकी दीवार पे, कहां पे ये अपना क्रॉस हेयर रखता है। फिर यहाँ पे जंप भी लेता है, गन अंदर भी रख लेता है, और जैसे ही निकलता है वैसे ही वहां पे ब्लैक किंग भी निकलता है, और फिर जंप शॉट करके सारे के सारे शॉट्स इसके चिपक जाते हैं। और फिर से आपको टाइमिंग दिखाता हूँ, जिस मोमेंट पे ये अपना क्रॉस हेयर एक जगह पे चिपकाना शुरू कर देता है तब होता है ऊपर टाइमिंग 5:57, और ब्लैक किंग के पीओवी में जब 5:57 होते हैं तब देखो। एग्जैक्ट वही पोजीशन जहां पे मैडी प्लेस का क्रॉस एयर था 5:57 पे ही, और राइट साइड की तरफ ब्लैक किंग जाएगा उसी डायरेक्शन में, मैडी प्लेस भी जाएगा जंप लेके और तुरंत उसको मार देगा वही पोजीशन से। और अब बात करते हैं कन्फेशन की, तो इस चीज के रिगार्डिंग जब मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी मैडी प्लेस को मैंने बुलाया भी वहां पे कई बार, तब मैडी प्लेस एक बार भी नहीं आया, उसने इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम भी नहीं किया। लेकिन उसके दो दिन बाद ही उसका एक दोस्त मेरे इंस्टाग्राम पे आता है, मेरे को फालतू की बातें बोलना शुरू करता है, हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, जिसके बाद वो गंदी गंदी गालियां देना शुरू करता है, जिस पे गुस्सा आता है मुझे, और मैं स्टोरी डालता हूं मैडी प्लेस को मेंशन करते हुए कि अब मैं इस चीज के बारे में चुप नहीं बैठने वाला हूं, जितना टाइम था मैडी प्लेस के पास में उतना था, अब मैं इस पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। जिसके बाद में मैडी प्लेस का डीएम मेरे पास में आता है, और वहां पे वो पहले बोलना शुरू करते हैं कि ये जो आईफोन में जिसमें खेला था मैडी भैया ने वो उनके दोस्त का था, और उसने उल्टी सीधी चीजें लगा रखी होंगी तो मुझे पता भी नहीं चला, मेरे पास में तो एंड्रॉइड है जिस पे मैं ऑब्वियसली बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता कि वो उसके दोस्त ने हैक लगा के दे दिया और उसको पता भी नहीं चला। जब मैं इस पे कन्फ्रंट करता हूँ तब वो मानता है कि उसको खुद लगा था कि उल्टी सीधी चीजें हैं, जिसमें मैं फिर उसको बोलता हूँ कि अगर इसको लगा था तो उसने वीडियो क्यों डाली, पीओवी क्यों नहीं प्रोवाइड करा, जिसपे वो बातें घुमाने लगता है और बोलता है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को सेम डे अपलोड करने की बात करता है, लेकिन उसी दिन वो कोई डिफरेंट वीडियो अपलोड करता है जिसमें मैं उसको फिर से कन्फ्रंट करता हूँ, तो उसके बाद भी वो स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करता है ये बोल के कि मैं वीडियो बना देता हूँ, उसमें बोल दूंगा कि आई एम सॉरी, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई वॉज रॉन्ग, प्लीज स्टॉप दिस कॉन्ट्रोवर्सी। तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक बंदे को क्लियर हो चुका है, और मैडी प्लेस दिस इज माय मैसेज टू यू कि जो वीडियो बनाओगे उसमें क्लियरली एक्सेप्ट करना कि तुमने ईएसपी और एमबॉट दोनों यूज करे और बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करी, इस कॉन्ट्रोवर्सी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से जो टॉक्सिसिटी स्प्रेड हुई, जो टीडीएम कम्युनिटी बदनाम हुई, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। ये डिप्लो